नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रश्मि जोरकनी गार्डन पर। और आज का वीडियो, ये हमारा कुछ प्लांट हमारे नए आए हैं और ये लॉकडाउन में हमने भरपूर जो है ख़रीदारी पौधों की है, तो उसी के ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से प्लांट हम लेकर आए हैं, कितने रुपए के हमने बाई किए हैं और साथ में ही जो पॉट्स भी हैं वो कितने रुपए के बाई किए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम दिखाएंगे। इससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जो मैं ये प्लांट लेने जिस दिन गया था, संडे का दिन था और दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, तो जब मैं नर्सरी गया तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि हो सकता है लगभग कि मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो तब मुझे समझ में आया कि जो ये हॉबी होती है हमारी, कोई भी हो, कोई भी शौक हमारा हो, तो उसका एक चस्का अलग ही होता है। भरी गर्मी में लोग वहाँ पर पेड़ों की ख़रीदारी कर रहे थे, और एक तो ऐसे भी आए थे कि जिनकी शादी बिल्कुल नई नई हुई थी, तो वो भी पेड़ लेने आए थे बिल्कुल दोपहर में गर्मी में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा शौक है ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होता है, और इसमें हम ये नहीं देखते कि दिन है या रात है, बस काम में लगे रहते हैं। और ऐसे ही मैं भी कुछ प्लांट लेकर आया हूँ, और जो हमारी भूख है वो कभी कम नहीं होती, कि जब नर्सरी जाते हैं तो लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। हालांकि मेरी जो छत है ऊपर वो पूरी भर गई है, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है और नए नए प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने का मन लगा ही रहता है, और मैं हमेशा जाता ही रहता हूँ, कभी एक प्लांट कभी दो प्लांट लेकर आता जरूर हूँ नर्सरी से। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप सबके साथ भी यही होता है क्या, कि जितने लोग गार्डनिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको मैं कौन कौन से प्लांट लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये एक इंडोर प्लांट है, ये मैं लेकर आया हूँ और इसका नाम है जनाडू। बस ये इसके जो लीव्स हैं ना, ये बड़े सुंदर लगते हैं। अभी तो धूल मिट्टी में हो रहे हैं, जब ये अंदर हम इनको लगाएंगे पॉट में और अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन एकदम चमकते हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है ये प्लांट। तो एक ये मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा कॉस्टली मिला है मुझे, लगभग 200 रुपये का ये प्लांट है। और इसके साथ में एक ये देखिए, ये एरोकेरिया का प्लांट मैं लेकर आया हूँ। ये मेरे पास था पहले लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर दोबारा ये परचेज किया है। ये 120 रुपये का प्लांट मुझे मिला है, ये देखिए। और इसी के साथ में एक्सोरा है, आप देख सकते हैं इस पर ना गुच्छों में फूल आते हैं, और साथ में जो आप देख रहे हैं इसकी ब्रांच, इसमें कलियां भी आई हुई हैं, काफ़ी गुच्छा इस पर बना हुआ है। तो इसकी जो ये परमानेंट प्लांट है और गुच्छों में इस पर फ्लावरिंग होती रहती है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो। एक साथ में देखिए, ये बड़ा प्लांट है पाम का, और इसको चाइना पाम बोलते हैं। तो एक प्लांट मैं ये भी लेकर आया हूँ, ये 120 रुपये का मिला है। और साथ में देखिए ये चांदनी है, फ्लावर भी आप देख सकते हैं इस पर, बड़ा फूल आता है, ये बड़ी चांदनी इसे कहते हैं, और ये फूल काफ़ी इस पर आते हैं और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वाइट कलर का इसका फूल होता है। और ये मुझे मिला है 40 रुपये का, 40 रुपीज़ का। एक दूसरा चांदनी का पेड़ है और इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं, ये भी चांदनी है, वो भी चांदनी है, बस ये वो बड़ी थी और ये छोटी है, तो ये भी 40 रुपये का ही मिला है। और एक ये मेडिसिनल प्लांट कह सकते हैं आप, ये फिर जैसे हमारे किचन में यूज होते हैं तेज पात, जो मसालों में भी यूज होता है, ये उसका पौधा लेकर आया हूँ मैं, ये मिला है मुझे, थोड़ा कॉस्टली है, लगभग 150 रुपये का ये प्लांट है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं मिला, मुझे ये अच्छे लगते हैं। और जो हमारी मैडम है उन्होंने भी कई बार मुझे बोल लिया था कि कुछ ऐसे पौधे चाहिए, जैसे ये मेडिसिनल प्लांट हो गए, या फिर ये लौंग है आपका, या इलायची है, इस तरह के प्लांट, तो फिर मैं ये बाई करके लाया हूँ, एक ये लाया हूँ। और ये साथ में ये लौंग है, ये लौंग का प्लांट है, काफ़ी अच्छा हरा भरा हेल्दी है ये, ये भी मुझे 150 रुपये का ही मिला है। और साथ में लाया हूँ मैं इलायची का, ये 70 रुपये का मिला है। इसमें दो थे वहाँ पर, एक तो ये है 70 रुपये का और एक से थोड़ा सा बड़ा था,
वो था 100 रुपये का। तो मैं छोटा ही मैं प्रीफर करता हूँ, कोई भी पेड़ लाता हूँ तो वो मैं छोटा लेकर आता हूँ। अच्छा लगता है जब हम उसको छोटा ही ग्रो करें और जो वो बड़ा हो जाता है। तो और ये एक वैरायटी है गुड़हल की, गुड़हल वैसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं लेकिन ये कुछ अलग ही वैरायटी है। इसमें ना वाइट कलर का गुच्छे में फूल आता है, बड़ा बड़े वाला फूल होता है वाइट कलर का, और वो पूरा गुच्छेदार फूल होता है, सिंगल पेटल वाला नहीं होता। सिंगल पेटल वाला जैसे देखिए ये है सिंगल पेटल, ये नहीं होता, वो गुच्छे वाला होता है। तो मैं ये गुच्छे वाला एक लेकर आया हूँ, ये मिला है 60 रुपये का मुझे, 60 रुपीज़ का। और साथ में देखिए कोलियस है, कोलियस ऐसा प्लांट है कि आप इसकी जितनी वैरायटी लगा लो आपका मन कभी नहीं भरेगा। इसके पत्ते लीव्स इतनी सुंदर होती हैं, देखने में इतनी अच्छी लगती हैं कि आप इसके जितने कलर आपको नर्सरी में मिलेंगे आप ज़रूर लेकर आओगे। तो एक ये नया मुझे मिला था तो मैं ये ले आया, ये 40 रुपीज़ का मिला है। और साथ में ये मिला है मुझे, देखिए ये एक कनेर है, और कनेर में 3 टाइप के होते हैं, वाइट, पिंक और एक क्रीमी कलर। तो ये मैं क्रीमी कलर लेकर आया हूँ। और इसकी एक और ख़ास बात है वैरायटी की, मुझे बताया नर्सरी वाले ने कि ये पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं होगा, ये बोनसाई टाइप में इसको ग्रो किया गया है, और ये गमले में छोटा ही रहेगा और इस पर क्रीमी कलर का फूल आएगा। तो ये सारे पौधे मैं आपको मैंने सारी बता दी है, जितने भी पौधे मैं लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं पॉट्स की। तो ये 12 इंच का पॉट है ये देखिए, और जो इसका मटेरियल है वो भी फाइन क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है। ये मुझे एक मिला है 150 रुपये का गमला, और ये वो वैरायटी है जो आपकी अगर धूप में भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। मेरे पास और भी ऐसे पॉट हैं पहले, वो ख़राब नहीं हुए, अभी कई साल से ऐसे चल रहे हैं। तो ये मुझे 150 रुपये का मिला है, मैं ये 7 पीस लेकर आया हूँ, और 2 पीस में ये लेकर आया हूँ। ये छोटे वाले हैं, ये 4 इंच का है, मुझे कुछ अपने जो कैक्टस हैं वो लगाने थे 2 पेड़, तो मैं ये 2 ये भी लेकर आया हूँ। ये 45 रुपीज़ का एक मिला है मुझे। तो ये सारी ख़रीदारी थी मेरी लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में जब आदमी बोर हो जाता है तो कुछ ना कुछ करने की सोचता है, तो मैं भी उस दिन कि चलो चलते हैं और कुछ ख़रीद कर लाते हैं अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो मैं भी गया और ये सब ख़रीद कर लाया हूँ। तो ये एक रूटीन है, जो गार्डनिंग करते हैं वो सब जानते हैं कि हम जब कभी बोर हो जाते हैं तो चलते हैं शॉपिंग करने। तो हमारी शॉपिंग भी उसी तरह की होती है कि पेड़ पौधे ख़रीद कर लाएंगे, वो आएंगे लगाएंगे, फिर वही चलता रहेगा। सबका अपना अपना हॉबीज़ हैं और सब अपने अपने तरीके से ऐसे ही करते हैं, कोई कुछ ख़रीद के लाता है, कोई कुछ ख़रीद के लाता है। तो हमारा तो ये ऐसा ही है, बस जाते हैं और जब भी मन किया उठे और नर्सरी पहुँच के और ले आए पेड़ पौधे। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और हमारे जो ये नए पौधे हम लाए हैं ये कैसे लगे आपको, और इनके प्राइस कितने रीज़नेबल हैं, और आपके यहाँ भी क्या इतने ही प्राइस में ये सब मिल जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे फिर एक नई वीडियो और लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।